तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस टू मार्केट। आरएस टू मार्केट में एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं इस कैंडिड इमेज लिमिटेड की। इस स्टॉक में आज के दिन हमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। अगर 1 मंथ की बात किया तो 15% की, 6 मंथ की बात किया 14% की, 1 ईयर की बात किया तो 25% की गिरावट। हाँ, मेन पॉइंट क्या है इस स्टॉक को, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कहलाता है। स्टॉक में बम्पर तेजी बनी, इस तेजी के पीछे कोई खास रीज़न नहीं था। इस स्टॉक को ऑपरेटर द्वारा स्टॉक को पंप किया गया और स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे माल बेच के निकल गया, स्टॉक हो गया डंप। अभी मेरे पास पिछली वीडियो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, सर आप गलत कह रहे हो, सर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने आपको जब स्टॉक में यूसी लग रहा था ना, जब स्टॉक में यूसी लग रहा था, जब मैंने आपको वीडियो बना के अलर्ट किया था, दोस्तों इस स्टॉक को गलती से भी बाय मत करना। अगर आपके पास है तो स्टॉक से एग्जिट हो जाइए, आप चाहो तो सबूत देख सकते हो। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, बट इस वीडियो में मैं आपके कहने पर, क्योंकि आप लोगों के मन में जो भय है ना उसको थोड़ा निकालना जरूरी है। आप देखो, ये देखो, 2 महीने पहले ये वीडियो बनाई मैंने, इसमें क्या कहा था, ये तेजी कहाँ तक चलेगी अलर्ट हो जाओ नहीं तो खून के आंसू लोगे। जब स्टॉक में यूसी लग रहा था, फिर देखो, फिर मैंने वीडियो अपलोड की, 1 मंथ में पैसा डबल कर दिया, अब अलर्ट हो जाओ स्टॉक में गिरावट हो सकती है, टोटली ऑपरेटर गेम। मैंने थंबनेल में साल को जो मेंशन ही, देखो, बिग अलर्ट ऑपरेटर गेम, फंसना मत गिरावट के संकेत। और देखो 3 वीडियो बनाने के बाद फिर देखो स्टॉक में LC लग ही गया। ये देखो, बोला था गिरावट होगी, लग गया LC, अब स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी। मैंने आपको ये भी कहा स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी, मैंने आपको सब चीज़ें बताई, स्टॉक को सेल कैसे करना है सारी अपडेट है। आप चाहो तो इस वीडियो को एक बार देखो, मैंने किस लेवल पे आपको स्टॉक में निकलने की सलाह दी थी। अगर आपने उस टाइम अगर मेरी सलाह को एक्सेप्ट किया होता तो मुझे नहीं लग रहा था कि आपको आज के दिन एक भी पैसे का लॉस होता है। मार्केट में दोस्तों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप उन पर फोकस करोगे तो भाई कभी पैसा नहीं डूबेगा। इसलिए कह रहे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप देखो, ये देखो 55 रुपये पे, आप खुद देखो दोस्त, 55 रुपये के भाव पे, 55 रुपीज़ के भाव पे मैंने आपसे कहा था दोस्तों बिग अलर्ट, स्टॉक को सेल कर दो, ऑपरेटर गेम है, स्टॉक में गिरावट हो सकती है किसी भी वक्त और स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर एंड कट बोला था। देखो स्टॉक में जब से गिरावट हुई है ना, स्टॉक ने हाई कितना मारा, 58, मैंने आपको 48 से वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, 48 पे बनाई एंड 51 पे बनाई और 55 पे बनाई, यानी कि 3 वीडियो रेगुलर बनाई और स्टॉक ने बाउंड भी हाई मारा 58, और मैंने आपको स्टॉक में अलर्ट किया। बट लोगों को पता क्या लगता है, जब स्टॉक में तेज़ी बनती है ना और जब लोगों से कहो भाई माल बेच दो, तो मेरे पास निगेटिव कमेंट है, सर आप हमसे माल बिकवा के खुद खरीदना चाहते, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं मार्केट में जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बट आपको क्या करना, फोकस करना भाई, कंपनी को देखो, समझो, पहचान करो, फंडामेंटल देखो, फाइनेंशियल आप सभी को पता था, इस स्टॉक की गूगल एड हो रही है और स्टॉक की गिरावट भी चांस वाले थे। मैंने आपको वॉल्यूम एनालाइज किया था सब कुछ, और आप देखो, और मैंने आपको उसके बाद ये भी कहा स्टॉक में LC लगा, ये स्टॉक जहाँ से पंप हो गया वहीं आके डंप होगा, और आप देखो स्टॉक वहीं आके पंप कर रहा है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जो नेक्स्ट अपडेट है आपको पहले से मिले। अभी मैंने आपको जस्ट 3 दिन पहले एक वीडियो में अलर्ट किया, उसमें आपको स्टॉक में कल LC लगे, अभी भी एक स्टॉक में अलर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अलर्ट हो जाओ, उसमें भी 2-4 दिन में LC लगने के चांस है। आप चाहो तो मेरी चैनल पर वीडियोज़ देखो, मेरी चैनल पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कौन सा स्टॉक बाय करना है। आप चाहो तो मेरी चैनल पर जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया, 5 केमिकल स्टॉक, बहुत ही शानदार स्टॉक, आपको एक साल में 200% का, 500% का रिटर्न बना के दे सकते हैं। फंडामेंटली एंड फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत स्टॉक है, उनमें चले जाइए दोस्त। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक में तेजी कब बनेगी। देखो मैंने कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल देख के बताया था एंड स्टॉक ओवर वैल्यूड बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले तो ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाली एक वीडियो मेरी 5 केमिकल स्टॉक, इस स्टॉक में से कोई भी स्टॉक को बाय कर लो, 5 में से कोई भी बाय कर लो और होल्ड करो, अच्छा पैसा बनेगा, ये मत सोचो पैसा बने। ये देखो, और मैं आपको अभी एक स्टॉक में और अलर्ट कर रहा हूँ, शायद कौन सा है, ये देखो, ये वाला हल्दिन, ये देखो हल्दिन लग रहा है यूसी, खरीदने से पहले वीडियो देख लो, बिग अलर्ट। दोस्तों जो वीडियो अलर्ट करने वाली होती है मैं आपको अलर्ट हमेशा करता हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रह सकते हो। देखो हर वीडियो आपको समय टू समय मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और आप लोगों के कहने पे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे, आप
स्टॉक का जो बुक वैल्यू थी मात्र 4 रुपए। स्टॉक की पी अब तो फिलहाल कहीं ना कहीं आसपास आ गई, स्टॉक की पी 11 हो चुकी, पहले ओवर वैल्यूड था काफ़ी, अब तो फिलहाल स्टॉक ठीक रेट पे आ चुका है। तो स्टॉक में क्या एंट्री लेनी चाहिए, पहले कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लो, क्या स्टॉक एवरेज करें, ये तो ठीक है, ऑल ओ ही रिटर्न रेट के 44% बहुत हाई है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 42% है एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 है, रिजर्व 7 माइनस में, डेप्ट 4 CR का है, एसेट 39 CR के, यानी कि थोड़ा वीकनेस देखने को मिली रिजर्व माइनस में, ये कोई नेगेटिव छोटा पॉइंट नहीं है। पिछले कुछ समय में कंपनी के प्रमोटरों ने 8% की हिस्सेदारी बेची है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अब आप यहाँ कंपनी की सेल्स देखो, 2012 में 0 थी जो बढ़ के हो गई है 40 CR, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन ये स्टॉक में काफ़ी बेहतर ही, देखो 20%, ये बेहतर है। कंपनी अगर 1 CR की सेल करती है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, यानी कि एक लाख की सेल में कंपनी को 20 CR का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी अगर थोड़ी सेल्स करे तो कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में सुधार किया है, कंपनी लॉस से छोटे प्रॉफिट में आई, अब देखो 5 CR की प्रॉफिट में आ गई है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी के थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ठीक है हालांकि, बट स्टॉक को हाई पे ख़रीदना ये काफ़ी रिस्की था, इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया था। तो अभी मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा स्टॉक को आप लोग चाहो तो स्टॉक को बाय करो, बिल्कुल भी नहीं, स्टॉक में अवॉइड करो, फ्री से एंट्री मैं आपको अच्छे स्टॉक बाय करने के लिए देता हूँ, उन्हें स्टॉकों को बाय कीजिए सिर्फ। एंड आप इस स्टॉक में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, आप इस लेवल पर स्टॉक को एवरेज कर लीजिए। एवरेज करने के पीछे 2 वजह हैं, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन बॉक्स में आ चुका है, उसके बाद ये स्टॉक टोटली डाउन ट्रेंड में, यानी कि सबसे नीचे मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को इस बॉक्स में ख़रीदारी करके सिर्फ ओनली फॉर 6 महीना 1 साल होल्ड कर सकते हो, जिससे आपका सारा लॉस रिकवर हो जाए। क्योंकि अगर आपने स्टॉक को 50 रुपये पे स्टॉक को बाय किया है तो आपको काफ़ी लॉस होगा, 80% का लॉस होगा। अब ऐसा तो है नहीं अब स्टॉक एक ही दिन में रिकवर होगा, क्योंकि 58 रुपये जाना तो मुश्किल है फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग, जाएगा 5 साल में 2 साल में जब कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाएगी। बट अभी आपको लॉस रिकवर करने का रास्ता यही कि आप पहले तो सबसे पहले स्टॉक को एवरेज करो, 58 रुपये वाला स्टॉक जब आप एवरेज करोगे तो ये 30 रुपये तक, मतलब कि आपको 25 रुपये तक आ जाएगा, 28 रुपये तक, तो ये वाला लेवल आपको आसानी से देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि 2022 के अंदर और 1 ईयर के अंदर, तो आपका सारा लॉस रिकवर होगा एंड आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे, जिस प्रकार कंपनी मुझे देखने को मिली फंडामेंटल फाइनेंशियल। तो आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, वरना मैं आपको एवरेज करने के लिए भी मना करता, क्यों, क्योंकि भाई जो पैसा आपका पहले डूबा हुआ है और मैं आपको डुबा दूँ नहीं। और हाँ एक बात याद रखना, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गलती से भी एवरेज मत करना, होल्ड करो सिर्फ। अगर आपका छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है तो ये एवरेज करना, क्योंकि अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है तो भाई आपका पैसा 20 हज़ार बचा है। अब मैं आपसे कह दूँ एवरेज कर लो तो ये बहुत गलत होगा। हालांकि आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 20 हज़ार बचा है तो आप 20 हज़ार के शेयर्स और ले सकते हो, और यही एक रास्ता होगा फिर आपके पास बकाया। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ आए, फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं लेकिन सिंधी वीडियो में। थैंक यू।